Yes, children, in today's class, let us start with question number 2 of exercise 2.5. Topic is linear equations in one variable. The question is solve the following equation and verify the result. So this is the equation given. We have to solve it and verify the result. So let us begin. Sare n wale terms ek hi taraf hai aur 21 jisme koi variable nahi hai alag hai. To iska matlab hum we can directly start solving. We take the LCM of 2, 4 and 6. What is the LCM of 2, 4 and 6? It is 12. यहाँ छोटा सा करके देख लेते हैं एक बार. 12 होता है वैसे. 2, 4 और 6. 2, 1 is 2, 2, 2 is 4, 2, 3 is 6. 2, 1 is 2 और ये 3. And the 3 ये आ गया. ठीक है? तो 2, 2 is 4, 3 is 12. 12 LCM है. तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इम्प्लाइज दैट एल सी एम इज 12. सो 2 6 जर 12 6 इंटू एन इज 6 एन माइनस 4 3 जर 12 3 3 जर 9 9 एन प्लस 6 2 जर 12 2 5 जर 10 यू गेट 10 एन दिस इज इक्वल टू 21. ठीक है अब ये देखो 6 एन प्लस 10 एन कितना हुआ 16 एन. ठीक है एंड 16 एन माइनस 9 एन कितना हुआ 7 एन. तो हम ऐसा करते हैं इसको दो स्टेप्स में कर लेते हैं. पहले वाले स्टेप में ऐसे कर लेते हैं 6 एन प्लस 10 एन इज 16 एन माइनस 9 एन अपॉन 12 इक्वल टू 21. अब 16 माइनस 9 करा तो आ गया 7 मतलब 7 एन अपॉन 12 इज इक्वल टू 21. अब n की वैल्यू निकालनी है तो मतलब 7 एन अपॉन 12 को इधर आना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 12 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 अपॉन 7. ठीक है अब कट कर लो 7 वन जै 7 7 3 is 21. So this implies that n is equal to what? 3 into 12 is 36. तो हमारी जो n की वैल्यू आ गई वो 36 आ गई. अब हम करेंगे वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में क्या है LHS is equal to what? n upon 2 minus 3n upon 4 माइनस 5n अपॉन 6. अब जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है 36. हम यहाँ लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 36. तो ये क्या हो जाएगा LHS LHS इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 36 अपॉन 4 3 इंटू 36 n की जगह 36 अपॉन 4 माइनस 5 इंटू 36 अपॉन 6 5 इंटू 36 अपॉन 6. ठीक है अब हम इसको कट करेंगे. ये देखो 2 वन ज़ा 2 2 18 ज़ा 36 4 वन ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 6 वन ज़ा 6 6 6 ज़ा 36. तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 18 यहाँ पे क्या आया 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे 30 आया. ठीक है यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई. यहाँ पे होना चाहिए था ये देखो ये प्लस 5 एन अपॉन 6 है मैंने यहाँ पे माइनस लिखा ये प्लस हो यहाँ पे तो यहाँ भी सब जगह चेंज हो जाएगा ना ये भी प्लस हो जाएगा और नीचे भी हम प्लस कर देंगे. ठीक है तो आ गया हमारा 18 माइनस 27 प्लस 30. अब 18 प्लस 30 कितना हो गया 48. 48 माइनस 27 8 माइनस 7 1 4 माइनस 2 2 आ गया 21. तो ये LHS हमारा 21 हो गया और RHS देखो RHS भी 21 है तो हम क्या लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS hence
वेरीफाइड. इज इट क्लियर? सो विद दिस आई वाइंड अप. इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल टेक अप क्वेश्चन नंबर 3.